टेस्टोस्टेरोन मतलब सेक्स हार्मोन जो है वो यदि ज़्यादा मात्रा में है या कम मात्रा में है सेक्स हार्मोन, तो उसे क्या होता है, उसके बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 39 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की जो ब्लड लेवल है वो 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होती है, ये रेंज में। औरतों में 50 डेसीलीटर से कम रहती है टेस्टोस्टेरोन, मतलब पुरुष हार्मोन औरतों में रहता है, मतलब वो कम रहता है, बहुत कम मात्रा में रहता है। अभी हम देखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन की लेवल ब्लड में 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होती है तो क्या होता है। एक तो क्या है कि चेहरे के ऊपर ज़्यादा पिंपल्स आते हैं, फोड़े फोड़े दिखते हैं बहुत ज़्यादा, फिर आक्रामकता ज़्यादा दिखती है वो व्यक्ति में, वो पुरुष में। बहुत ज़्यादा पौरुषत्व आ जाता है, प्यूबर्टी बहुत जल्दी आती है, मतलब बच्चे का जो पुरुष बन जाता है वो जल्दी हो जाता है। बहुत ज़्यादा बाल अंग पे रहते हैं, ज़्यादा ब्लड प्रेशर नोट डाउन किया जाता है, बहुत ज़्यादा सेक्स ड्राइव है, सेक्स करने की इच्छा ज़्यादा होती है। अपने खून में जो लाल रंग की रक्त पेशियाँ रहती है RBCs, उसका काउंट ज़्यादा मात्रा में होता है। फिर रिस्क टेकिंग बिहेवियर जो है, मतलब ज़्यादा धोखा लेने की तैयारी, तो ज़्यादा धोखा लेने की, ज़्यादा रिस्क लेने की तैयारी जो है, रिस्क मतलब कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, ऐसे बिहेवियर में ज़्यादा वो कूदता है। और बच्चे होने में तकलीफ हो सकती है क्योंकि शुक्राणु की संख्या कम हो सकती है। तो ये हमने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि टेस्टोस्टेरोन है, सेक्स हार्मोन है, तो प्रॉब्लम है। अब ये ज़्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन क्यों है? एक तो क्या है कि एड्रेनल और टेस्टिकुलर ट्यूमर, मतलब अंडकोश जो है उसका ट्यूमर है, एड्रेनल ग्लैंड जो होती है बॉडी में उसका ट्यूमर है। स्टीरॉयड ज़्यादा मात्रा में ली हुई है, स्टीरॉयड ड्रग्स जो खिलाड़ी जो रहते प्लेयर्स या जिम्नास्टिक्स मतलब जो करते हैं वो लोग लेते हैं, क्लोमिड जैसे ड्रग्स। टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंटेशन लोग बाहर से लेते हैं कि ताकत एनर्जी एंथुजियाज्म आना चाहिए करके बाहर से लेते हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन के जेल अप्लाई करते हैं बॉडी में, तो ये सब जो है वो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा लेने से हो सकता है, प्रॉब्लम होता है। अभी हम देखेंगे कि भाई ये ज़्यादा लिया तो क्या होता है। एक ऐसा स्टडी है कि जिसमें पुरुषों को टेस्टोस्टेरोन जरूरत नहीं थी तभी बाहर से दिया, और जब उनको बाहर से दिया तो वो स्टडी में ऐसा पाया गया कि 88.4% पुरुष जो थे उनकी शुक्राणु की संख्या एकदम कम हो गई, ख़त्म ही हो गई, शुक्राणु खत्म हो गए उनके वीर्य में से, अजोस्पर्मिया हो गया। और फिर ये टेस्टोस्टेरोन थेरेपी जो बाहर से दी थी वो जब बंद कर दी गई तो 6 महीने बाद उनका स्पर्म काउंट जो है वो नॉर्मल हो गया 65% लोगों का। तभी भी मतलब 20% लोग ऐसे थे अप्रॉक्सीमेटली कि जिनका बाद में शुक्राणु की संख्या नॉर्मल नहीं हुई, वो हरदम के लिए ख़त्म हो गई। तो ये ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन रहा तो क्या होता है? अभी हम देखेंगे कि औरतों में यदि टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होती है तो क्या उसका असर होता है। मतलब 50 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से यदि टेस्टोस्टेरोन की लेवल औरतों में ज़्यादा है तो क्या क्या होता है? एक तो बहुत ज़्यादा बाल जहाँ नहीं होना वहाँ आते हैं औरतों को, जैसे दाढ़ी वगैरह दिखती है कुछ औरतों को। फिर चेहरे के ऊपर फोड़े होते हैं, लाल रंग के फोड़े, ऐसे एक्नी पिंपल्स हो जाते हैं ज़्यादा। उनका आवाज़ जो है वो मर्द जैसा होता है, थोड़ा मोटा हो जाता है। जो ओव्यूलेशन होता है मतलब स्त्री बीज पैदा करना, वो कम हो जाता है। योनि लिंग बड़ा होता है। उनके स्नायु जो है वो पुरुष जैसे ऐसे बड़े दिखते हैं, मसल मास ज़्यादा दिखता है। उनके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं और पुरुष जैसा बाल्डिंग दिखता है, मतलब वैसे बाल चले जाते हैं, जैसा सामने चाटी लग जाती है, सामने के बाल निकल जाते हैं, ऐसा औरतों में दिखाई देता है। अब औरतों में हाई टेस्टोस्टेरोन के कारण क्या है? एक तो है PCOD, औरतों में जो ओवरीज की बीमारी होती है। दूसरा है कि एड्रेनल ग्लैंड जो होती है अंदर अपने यहाँ ग्रंथि है, उसका हाइपरप्लाशिया मतलब ज़्यादा मात्रा में बड़ी हो जाना वो ग्लैंड।
ओवरियन सिस्ट, ओवरी जो रहती है जहाँ स्त्री बीज तैयार होते हैं, उसका कैंसर, उसका सिस्ट होना, और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बाहर से लेना, स्टेरॉइड लेना बाहर से, उसके वजह से हाई टेस्टोस्टेरोन औरतों में दिखाई देता है। तो हमने देखा कि भाई औरतों में ऐसा रहा तो क्या होता है, तो इसमें भी औरतों में यदि कम रहा टेस्टोस्टेरोन तो क्या होता है, एक तो उनका ख्याल काम में नहीं रहता है, एकाग्र चित्त नहीं होता, कॉग्निटिव डिफिकल्टी होती है, औरतों में कम रहा तो डिप्रेशन आता है, थकान आती है, और सेक्स में इच्छा कम होती है। तो ये लो टेस्टोस्टेरोन लेवल रहा तो औरतों में ये दिखाई देते हैं लक्षण। तो हमने पहले देखा कि ज़्यादा रहा पुरुषों में तो क्या होता है, उसके कारण क्या है, औरतों में ज़्यादा रहा टेस्टोस्टेरोन तो उसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, और कम रहा औरतों में क्या कारण है, हमने देखा। तो ये हो गया औरतों का। अभी हम देखेंगे कि मर्द में, पुरुषों में यदि टेस्टोस्टेरोन लेवल की मात्रा कम हो जाती है, सेक्स हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो उसका क्या असर होता है। क्या होता है कि जो लेवल टेस्टोस्टेरोन की 20, 22, 25 ये उम्र में होती है, वो लेवल नेचुरली 40 की उम्र में रहती नहीं है, 50 की उम्र में रहेगी नहीं। मगर पहले से यदि कम है टेस्टोस्टेरोन, सेक्स हार्मोन यदि कम है, तो नेचुरली दाढ़ी के बाल कम आना, दाढ़ी कम रहना, फिर स्नायु जो रहते मसल मास वो कम दिखना, डिप्रेशन, निराशा की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी, लक्ष्य एकाग्र नहीं होना, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना, स्तन बड़े हो जाना, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, नपुंसकत्व मतलब लिंग में कठोरता नहीं आना, थकान आती है, फिर बॉडी में ऐसी गर्मी महसूस होती है, हॉट फ्लशेस, सेक्स ड्राइव जो है, सेक्स करने की इच्छा वो कम हो जाती है, ताकत कम होती है। तो ये जो है ये लक्षण है टेस्टोस्टेरोन कम रहने के, है ना। हमको बहुत बार ऐसा लगता है कि आदमी को हुआ क्या, 40-45 साल का है, बाकी तो सब नॉर्मल है, कुछ तो दिखाई देता नहीं है, सब टेस्ट नॉर्मल है, और हम टेस्टोस्टेरोन करते एकदम कम मात्रा में दिखाई देता है, टेस्टोस्टेरोन दे दो अच्छा हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सेक्स के लिए हमारे पास में लोग आते हैं, सेक्स ड्राइव नहीं है, इरेक्शन नहीं होता, हम टेस्टोस्टेरोन देते हैं और वो अच्छा हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन कम होने के कारण क्या है, एक तो क्या है उम्र, अप्रॉक्सीमेटली 45-50 साल के बाद में टेस्टोस्टेरोन की लेवल और कम कम होना चालू हो जाती है। फिर दूसरा कारण है मोटापा, जैसा मोटापा कारण है वैसे ही बहुत ज़्यादा वजन कम रहा, बहुत कम वजन है, वो भी एक कारण हो सकता है। स्मोकिंग, धूम्रपान, टेस्टिस को यदि घाव लग गया या टेस्टिस को इंजरी हो गई या टेस्टिस जो है अंडाशय वो नीचे आया नहीं पेट में से, वो पेट में ही है, नीचे खाली है पिशवी, जो थैली है वो खाली है, वो हो सकता है। टेस्टिकुलर कैंसर है, फिर HIV एड्स है, या कोई इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो टेस्टोस्टेरोन कम है तो डेफिनेटली हमने बाहर से टेस्टोस्टेरोन देना चाहिए, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कम है तो मालूम पड़ता है उसको थकान आ रही है व्यक्ति को, सेक्स ड्राइव कम है, इच्छा कम है, कॉन्सेंट्रेशन कम है, लक्ष्य एकाग्र नहीं होता है, ऐसा लगता है कि इसकी जान निकल गई है, मतलब ऐसा बहुत थकान आ रही है, बहुत जल्दी बूढ़ा हो गया ऐसा लगता है। तो डेफिनेटली उसका इलाज करना जरूरी है और बाहर से टेस्टोस्टेरोन देना जरूरी है। अब बाहर से टेस्टोस्टेरोन देते हैं तो उसमें स्किन पैचेस है, फिर नाक में रखने वाले ड्रॉप्स पैचेस है, मुंह में रखने वाले पैचेस है, गम्स को चिपक जाते हो, फिर इम्प्लांट्स है, टैबलेट्स है, इंजेक्शन है, अलग अलग तरह के टेस्टोस्टेरोन बाहर से हम दे सकते हैं और टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स हम बढ़ा सकते हैं, और उससे यदि फ़ायदा दिखाई देता है तुरंत तो डेफिनेटली वो कम समझ के उसका तो इलाज करना, कंटिन्यू करना जरूरी है। यदि वो ज़्यादा देते रहे ट्रीटमेंट बाहर से, ज़रूरत नहीं तभी भी दे रहे, तो भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है कि भाई प्रोस्टेट ज़्यादा बढ़ सकते हैं, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो सकती है, प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है, और स्लीप में एपनिया आता है, मतलब स्लीप में क्या होता है कि आदमी सो रहा है और बीच में ही सांस रुक जाती है, ऐसा लगता है कि आदमी ख़त्म हो गया, क्या हो गया, और फिर एकदम सांस लेंगे और फिर जोर से सांस लेके चालू कर देंगे, वो एपनिया होता है, स्लीप एपनिया, तो वो हो सकता है। ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं क्योंकि एबनॉर्मल राइज इन RBCs मतलब लाल पेशी जो है खून की, वो यदि ज़्यादा मात्रा में पैदा होती है तो उससे ब्लड क्लॉट्स होते हैं और उससे फिर पैरालिसिस का अटैक आ सकता है और हार्ट फेलियर भी हो सकता है।
तो ये ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन की ट्रीटमेंट देने से भी हो सकता है, तो हमको वो भी टालना है कि ज़्यादा देना भी नहीं है। इसलिए ब्लड की रिपोर्ट है लेना है, और ब्लड की रिपोर्ट लेते लेते ट्रीटमेंट करते जाना है। दोनों में भी, मेल और फीमेल्स में, फीमेल्स में लेवल कम होती है, और बहुत ज़्यादा कम होगी तो प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बड़ी तो प्रॉब्लम है। मेल्स में भी वही है, बहुत ज़्यादा कम होगी तो प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बड़ी तो प्रॉब्लम है। तो वो तो नॉर्मल में ही रहना ज़रूरी है, और नॉर्मल रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग बोलते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, मतलब लिंग में कठोरता नहीं आ रही है, तो इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन लो, सेक्स हार्मोन कम हो गया, ऐसा नहीं है। कहाँ, टेस्टोस्टेरोन कम होंगे तो लिंग में कठोरता नहीं आएगी, मगर लिंग में कठोरता आती नहीं इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, ऐसा नहीं है। तो वो हमको टेस्ट करके देखना है, बहुत कम लेवल है तो ही बाहर से लेना है, अन्यथा नहीं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, स्पेशली उम्र जिनकी ज़्यादा हो गई उनको शेयर करो। वो टेस्ट कर सकते हैं सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, और वो अपने लेवल ठीक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।